हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं तो अशोक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, जो सीलिंग फैन, मतलब सीलिंग फैन मतलब जो नॉर्मल का सीलिंग फैन के बारे में हम लोग को डिस्कस करने वाला नहीं, अभी तो BLDC के बारे में हम लोग को डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। BLDC मतलब कुछ नहीं, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट को हम लोग BLDC बोल के हम लोग को बोलता हूँ। जो BLDC सीलिंग फैन अभी मार्केट में, जो आदमी लोग को मार्केट में अभी जो ट्रेंड हो रहा है BLDC का सीलिंग फैन, अभी आदमी लोग अब तो सुना होगा BLDC मतलब क्या है। BLDC सीलिंग फैन जो मार्केट में अभी ज्यादा रहता है आप लोगों को मालूम है, उसी के बारे में हम लोग को डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। उसका पहले अभी तक हमारा चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिए, उसका बाद में एक बेल बटन भी होता है उसको दबा दीजिए। अगर दबाने से कोई भी हम लोग एक वीडियो डालने से आपको तुरंत मिल जाएगा। तो BLDC ब्रशलेस डायरेक्ट करंट में तो बोला, जो अभी नॉर्मल हमारा जो सीलिंग फैन है ना, जो अभी आपका घर में जो सीलिंग फैन होता है, वो सीलिंग फैन सीलिंग फैन का अंदर में जो कौन सा मोटर रहता है बोल के आप चेक करने से, वो क्या है, सिंगल फेस का इंडक्शन मोटर है। ठीक है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में क्या टाइप है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर है, आपको आपको मालूम है वो क्या बोल के। ठीक है, जो सीलिंग फैन, जो पुराना जो सीलिंग फैन है ना, वो कभी भी एक जो पुराना जो सीलिंग फैन आप लेने से वो कम से कम 60 वाट से 70 वाट जो रहता है, जो हाई स्पीड फैन नॉर्मल फैन कोई भी रहने से 60 से 70 वाट तक उसका रेटिंग आ जाता है उसी में। लेकिन उसी को जो एयर डिलीवरी मतलब उसी वो फैन, हाई स्पीड फैन आपका रूम में रेखा बोल के मान लीजिए, जो फैन को चालू करने से बहुत आवाज आएगा, मतलब एयर तो अच्छा से देगा लेकिन उसका साउंड कोई ना कोई आदमी को कुछ क्या करता है, वो डिस्टर्ब करता है। फिर जो आपका पावर कंजम्पशन भी ज्यादा है, अभी हमारा घर पे आप चेक करने से रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज का बात में हम लोग को ज्यादा जो यूज करने वाला एक अप्लायंस क्या बोल के आप चेक करने से फैन है, सीलिंग फैन कभी भी हम लोग को यूज करते रहता हूँ, जो 24/7 हम लोग को चालू करते रहता हूँ। जो घर पे हम लोग को रहने से फैन नहीं रहने से हम लोग को नहीं रुक सकता है, क्यों बोलने से जो एनवायरमेंट में जो ज्यादा आउटसाइड टेम्परेचर जो ज्यादा है, इसलिए सभी लोग को जो फैन रहने से हम लोग को कुछ अच्छा कंफर्ट मिल जाता है। वही सीलिंग फैन अभी वही सीलिंग फैन से आपको पावर सेविंग आने का बहुत चांसेस है, लेकिन यही सीलिंग फैन में नहीं है, BLDC का BLDC सीलिंग फैन आप यूज करने से आपको पावर कंसप्शन मतलब सेविंग आपका इलेक्ट्रिसिटी से बिल्डिंग जो आता है ना उसी में थोड़ा कम कर सकता है। किस लिए, कैसे जो कम कर सकता है, कुछ नहीं, आपका जो BLDC फैन है ना, जो BLDC फैन 30 वाट से 40 वाट तक जो अंदर में वो रेटिंग आ जाता है, मतलब आपका नॉर्मल सीलिंग फैन का जो वाटेज जो कंज्यूम कर रहा है उसी में 50% ये कंज्यूम कर रहा है BLDC सीलिंग फैन। ठीक है, लेकिन इसका जो रेट है थोड़ा ज्यादा है, मतलब आप जो मार्केट में जाके एक नॉर्मल सीलिंग फैन आप लेने से 1000 रुपये में आपका अच्छा वाला सीलिंग फैन ले सकता है, लेकिन BLDC सीलिंग फैन 3000 लग जाएगा। लेकिन आप यही यूज करने से आपको क्या करता है, एक साल का अभी आप मान लीजिए आपका घर पे एक ही सीलिंग फैन है बोल के मान लीजिए, आप उसी को BLDC को बदली कर रहे हैं, अगर बदली करने से क्या हो जाएगा, एक साल में जो बिल्डिंग जो जो आता है ना उसी में 1000 रुपीज आप सेव कर सकता है। एक साल का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में एक फैन यूज करने से आपको 1000 रुपीज कम से कम अच्छा से आप सेव कर सकता है। फिर आपको दूसरा क्या एडवांटेज आता है, जो आप रेगुलेटर का जो यूज करने का जरूरत नहीं, मतलब अभी जो हमारा जो नॉर्मल सीलिंग फैन रहने से आपको क्या करता है, जो रेगुलेटर हम लोग को यूज करता हूँ। ठीक है, लेकिन जो BLDC सीलिंग फैन में जो रेगुलेटर का जरूरत नहीं, उसका बाद में उसका बदले में वो लोग को क्या करता है, एक रिमोट देता है, वो रिमोट में आप क्या करता है, उसका फिन उसका फैन का स्पीड को जो कंट्रोल कर सकता है, उसी में टर्बो मोड होता है, उसमें जो स्लीप मोड होता है, सब कुछ उसमें एक मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चरर को उसमें ज्यादा ऑप्शन आते रहता है। ठीक है, ज्यादा मैन्युफैक्चर रहता है BLDC जो सीलिंग फैन का जो मैन्युफैक्चरर इंडिया में ज्यादा रहता है। वो अभी कैसे हम लोग को पहले जो इनकैंडेसेंट लैंप से हम लोग को LED अभी कैसे हम लोग को यूज कर रहा हूँ, जो ऐसा आदमी लोग को नॉर्मल सीलिंग फैन को छोड़ के ये सीलिंग फैन को आ जाएगा, क्यों बोलने से, एक आपको जो पावर कंसप्शन कम हो रहा है, फिर आपको जो ऐसा जो BLDC का फैन आप यूज करना यूज करने के लिए जो स्टार्ट होने से आपका एनवायरमेंट को भी अच्छा हो जाता है, क्यों बोलने से, अभी आपको मालूम है अभी हमारा जो इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आप लोगों को पावर हम लोग को जनरेट करता हूँ, आपको मालूम है रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या है, सोलर फिर विंड सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या है, जो आपका थर्मल पावर प्लांट है ना वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, उसी में हम लोग को ज्यादा जो पावर लेके जो यूज करता हूँ। अगर आपका सभी अभी मान लीजिए अभी इंडिया में सभी आदमी BLDC फैन जा रहा है बोल के मान लीजिए,
उसका जो पावर कंसप्शन बहुत कम होने का चांसेस है, मतलब सब मेगावाट आप लोग को कम कर सकता है। अगर आप कम करने से आपका डिमांड भी थोड़ा कम हो जाएगा, डिमांड कम होने से जनरेशन भी थोड़ा कम हो जाएगा, जनरेशन कम होने से आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है ना, उसका जो यूज करने का थोड़ा कम हो जाएगा। उस वही अब तो कोई भी एक प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट आप मार्केट में आ रहा है, मतलब पावर सेविंग करने के लिए कुछ आएगा, तो उसी को थोड़ा ट्रांसफर, उसको स्विच ओवर होने के लिए आप लोग कोशिश कीजिए, आपको भी अच्छा है, फिर आपका जो हमारा जो एनवायरमेंट है ना, एनवायरमेंट को भी अच्छा है। ठीक है, जो बीएलडीसी फैन का बारे में, उसमें कॉम्पोनेंट ज्यादा रहता है, उसी में क्या करता है, एसएमबीएस होगा, उसमें स्टेटर होगा, रोटर होगा, फिर माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर होता है, इन्वर्टर होता है, सब कुछ कॉम्पोनेंट उसमें अंदर में रहता है। उसके बारे में हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर इन्वर्टर फैन का, फिर बीएलडीसी फैन का कंपेरिजन भी हम लोग दूसरा वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो किस लिए मैं बोलने के लिए आया था, बीएलडीसी फैन बोल के जो मार्केट में है वो यूज होने से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा कम होने का चांसेस है। एक साल को एक फैन आप यूज करने से 1000 रुपीज आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम कर सकता है, 2 फैन यूज करने से 2000 रुपीज का कम कर सकता है, 3 फैन यूज करने से 3000 रुपया एक साल में आप कम कर सकता है। उसको बोलने के लिए ये वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, सो ये वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया लगता हूँ। अगर आपको मिलने से ये वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ ना कुछ डाउट रहने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, यह वीडियो अच्छा लगने से आपको फ्रेंड लोग भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।